Hello everyone, good morning. Wish you a very, very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So today we are going to discuss the Hindu's news analysis, and today is 8th May. It's Friday today, and I can't say it is a good morning for me, because when I heard the biggest news of today's, then I was totally, you know, the mind is shaken at all that it was a very big news. एंड लेट मी शेयर इट विथ यू. सो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है वीज़ा गैस लीक से रिलेटेड, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में घटित हुई है. हम अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, कुछ बहुत कम टाइम हम कह सकते हैं, उस गैस त्रासदी से निकले हुए, भोपाल गैस त्रासदी से, जिसका प्रभाव हमें आज भी उस क्षेत्र में देखने को मिलता है. वही घटना फिर से दोहराना, वही चीज़ फिर दूसरी जगह पर होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी हिला देने वाली न्यूज़ सामने आई है. इसके तहत हम देख रहे हैं कि करीब 350 लोग जो है अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, 11 लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं. इसके अलावा कई लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, नियर बाय 2000 लोग जो है आसपास के एरिया में वो इससे इफ़ेक्टेड देखे गए हैं. इसके अलावा इसकी इस गैस जो फैक्ट्री है, या हम कह सकते हैं केमिकल प्लांट जो है, इसके आसपास बहुत ही डेंस एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है, जो हम कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करता है. तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की घटना है ये, जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो कि रीस्टार्ट करने की जो है कवायद पर थे, या हम कह सकते हैं एक रीस्टार्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था. लॉकडाउन 3 के तहत हमने ये डिसाइड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार 33% लोगों के साथ में आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सकते थे, और उसी के तहत इस केमिकल इंडस्ट्री को भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें से स्टाइरीन नामक गैस जो है वो लीक हो गई, और ये वहाँ के आसपास के करीब 15 से 20 गांवों तक इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला. छोटे मोटे गांव ढाणी सबको मिलाकर करीब 15 से 20 क्षेत्रों में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा लोग रह रहे थे. और ये कंडीशन हो गई कि वहाँ के लोग जहाँ खड़े थे, जो सड़कों पर खड़े हैं, मार्केट में खड़े हैं, वे वहीं पे बेहोश हो गए. इतना हाई इफ़ेक्ट जो है इस गैस का देखने को मिला. इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे. इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स तो बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं, क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे. ये सारी चीज़ें हम आने वाले समय में धीरे धीरे उभर कर सामने आएगी. मैं आपको बता दूं कि ये गैस रात के 2:30 बजे के करीब लीक हुई है. इसके तहत जैसे ही लीक होने की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंची, तब तक वहाँ के सारे ऑफिशियल्स ने मिलकर इमीडिएट एक्शंस लेने की कोशिश की. लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री को इस तरीके से शुरू किया जाना, और उसमें से इस इतनी बड़ी मात्रा में गैस का लीकेज होना, अपने आप में एक लापरवाही है या एक दुर्घटनावश घटित हुई एक घटना. देखते हैं, ये आगे आने वाले कवरेज के अंदर पता चलेगा. मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 9 पर इसे पूरी तरीके से कवर किया गया है. और आपको ये भी बता दूं कि ये जो केमिकल है, स्टाइरीन नामक जो गैस है, ये बेसिकली उस इंडस्ट्री के अंदर, उस केमिकल इंडस्ट्री में प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ आपको ब्रीदिंग इशू क्रिएट करेगा या वीकनेस क्रिएट करेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको हेडेक होने लगेगी, ये सारी चीज़ें जो है इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स के अंदर आती है. लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो आप अपना हम मानसिक संतुलन खो सकते हैं, उसी के साथ में आप अपनी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है, मतलब आप अपनी जो सुनने की क्षमता है, उसे खो सकते हैं, और उसी के साथ ही आपकी मेमोरी लॉस होने के भी पूरे चांस रहते हैं. और एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो इस गैस का देखने को मिलता है वो है कैंसर, जो कि आपको स्टाइरीन गैस के तहत हो सकता है. ठीक है,
तो ये सारे मेजर इश्यूज हमने देखे। बहुत बड़ी घटना है ये अब तक की इन दिनों, जहां हम लोग देश ऑलरेडी एक COVID-19 के कहर से जूझ रहा है। ऑलरेडी हम लोग कोशिश कर रहे हैं COVID-19 से उबर कर बाहर आने के लिए, जहां देश पूरी तरीके से उस एक परेशानी से जूझ कर उसे बाहर निकलने की कोशिश की पूरी कोशिश कर रहा है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इन सारी विपदाओं से बाहर आने के लिए, उसी समय में इस तरह की घटना घटित होना अपने आप में एक पूरी तरीके से शेक कर देने वाली घटना है ये। अब देखते हैं सरकार इस लेवल पर आकर क्या निर्णय लेती है, किस तरह की कमेटी बैठाई जाएगी। हालांकि ये भी डिसाइड हो गया है कि इस पर एक कमेटी बैठाई जाएगी और पूरी जांच की जाएगी पूरे मामले की, लेकिन उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को बचा सकें और उनको जितना ज़्यादा सेफ कर सकें वो करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ SBI ने लैंडिंग रेट्स को कट कर दिया गया है। FDI इंटरेस्ट जो है, लैंडिंग रेट्स और FD इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दैट इज़ नेशन नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनल डिसहार्मनी ड्यूरिंग COVID-19 केसेस। ये जो आर्टिकल है ये कहता है, ये डिसाइड किया गया है या ये स्टेटमेंट आता है तब जब किसी तरह की कोई कम्युनल एक्टिविटी देखने को मिलती है, कम्युनल डिसहार्मनी देखने को मिलती है, और वही घटना दिल्ली में हुई है। दिल्ली कोर्ट में जो है FIR लॉन्च की गई, उसके तहत दो महिलाओं ने कम्युनल रिमार्क्स के तहत मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है कुछ कम्युनल रिमार्क्स, या हम कह सकते हैं कुछ आपत्तिजनक या बातें कही, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अभी भी कम्युनल हार्मनी देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरफ जहां हम COVID-19 के इस दौर से गुजर रहे हैं और इन सारी क्राइसिस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरफ वहीं दूसरी तरफ कम्युनिटी बेसिस पर इस तरह के इश्यूज क्रिएट होना सरकार के लिए एक तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं अभी हमारी सरकार या अभी हमारा नेशन इस तरह के कम्युनल डिसहार्मनी को ओवरकम करने के लिए या इससे जूझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये गुजारिश है हमारे देश के लोगों से कि वो इन सारी चीज़ों से उभर कर बाहर आए और अपने कम्युनिटी बेसिस पर एटलीस्ट इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो शायद बड़े से बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यंगस्टर रोब्ड इन टू हेल्प नीडी फिल ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं आपको बता देती हूँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके तहत गवर्नमेंट स्कीम जो निकाली जा रही है लोगों को हेल्प करने के लिए, जो कि ऑलरेडी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि लोग अभी भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, टेक्नो फ्रेंडली नहीं देखा गया लोगों को, या फिर लोगों में इस ये सारी स्कीम्स को और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा जो भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर सतर्कता नहीं देखी जा रही है। इसी के तहत आम जन में व्याप्त जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमारी सोसाइटी में देखे जा रहे हैं, उनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है जिसके तहत वो लोगों को, गरीब लोगों को और जो लोग हेल्पफुल हैं या जिनको हम कह सकते हैं कि जो हेल्प कर सकते हैं उनको एकत्रित करके गरीब लोगों के प्रति या नीडी लोगों को हेल्प करने के लिए इस तरह की स्कीम से अवगत करवा रहे हैं। और इन स्कीम्स के तहत उनके जो फॉर्म्स भरे जाते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो अपकमिंग जो जनरेशन है, या हम कह सकते हैं हमारी जो करंट जनरेशन है, जो यंगस्टर्स है, यंग जनरेशन है, वो अभी भी बहुत अलर्ट है उन लोगों के प्रति और सोसाइटी के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, जिन दायित्वों को उनकी ज़रूरत है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ, लेकर्स से रिलेटेड थी, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, सेंटर शुड अलाउ स्टेट्स टू डिवाइज देयर ओन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। ये कहना है अरविंद मायाराम का, जो कि फॉर्मर फिनेंस सेक्रेटरी हैं और अभी फ़िलहाल ये राजस्थान के CM के जो है ये इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इतनी अनुमति दे देनी चाहिए, या इतना हम कह सकते हैं इतनी अथॉरिटीज़ दे देनी चाहिए कि वे अपने खुद के इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ को खुद प्लान कर सकें और उसके बेसिस पर कार्य कर सकें। क्योंकि अपने राज्य की रणनीति, अपने राज्य की जो कंडीशन है
उसको खुद की रणनीति के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अपने राज्य को कोई भी केंद्र सरकार से ज़्यादा राज्य सरकार ही बेहतर तरीके से जानती है, और उसे कैसे हम कह सकते हैं अपहोल्ड करना है या कैसे उसे ऊपर उठाना है, ये सारी चीज़ें भी एक केंद्र सरकार से बेहतर राज्य सरकार जानती है, क्योंकि हर केंद्र सरकार हर राज्य सरकार केंद्र का जो मकसद है वो पूरे इंडिया को जो है फ्लोरिश करने का है, लेकिन राज्य सरकार का मकसद है अपने राज्य को फ्लोरिश करना। तो डेफिनेटली एक खूब सारी जगहों पर एक साथ प्रयास करना और एक एक ही जगह पर बहुत सारे प्रयास करना, तो सर अरविंद जी का ये कहना है कि अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा यदि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इतना जो है अलाउ कर दे, इस लेवल पे अलाउ कर दे कि वे अपने खुद की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को खुद प्लान करके इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, जिसके तहत, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंटली BSF के काफ़ी जवान हैं जो कि जामिया के तहत जो है दिल्ली में लगे हुए थे, और जमात के तहत दिल्ली में लगे हुए थे, तबलीगी जमात के तहत फोर्सेस जो है जितने भी BSF के जवान थे वो सब अभी काफ़ी हद तक पॉजिटिव, कल भी 32 पॉजिटिव्स आए हैं, तो वो ये भी एक बहुत टेंशन क्रिएट करने वाला माहौल है कि जहाँ पे हमारे जवान जो कि इस कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से लगे हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टॉक्सिक डिज़ास्टर, ये एडिटोरियल एनालिसिस है, इसके तहत उसी गैस लीक ट्रेजेडी की बात की गई है जिसे हमने ऊपर डिस्कस किया विशाखापट्टनम के अंदर, काफ़ी लोग जो है जूझ रहे हैं, काफ़ी बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत डिज़ास्टर्स हम कह सकते हैं घटना घटित हुई है, और पूरे नेशन को अपने आप में एक, जहाँ पे हम लोग लॉकडाउन के दौर में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन से सफ़र कर रहे हैं, COVID-19 से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रेटजीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी जूझ रहे हैं, उसी के बीच में इस तरह की घटना होना अपने आप में देश को हिला कर रख देने वाला माहौल क्रिएट कर देती है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं गोपालापट्टनम साइड के जो लोग हैं वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट उन पर देखने को मिल रहा है जो कि LG पॉलीमर प्लांट के बिल्कुल पास रहते हैं, और ये एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई है, रात के 2:30 बजे के करीब हुआ है, आधी रात के समय एक अजीब सा विषैले बादलों का एक झुंड जैसा वहाँ पे देखने को मिला, मतलब हवा में कुछ अलग माहौल देखने को मिला, अचानक से वहाँ पे कोहरा छाने लगा, तो आम जन बड़े ही टेंशन में आ गए कि ये चीज़ क्या है, उन्हें समझ में आता आता तब तक वहाँ पे इस तरह की उस स्टायरीन गैस का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। ठीक है, लोगों की से अगर सुना, जैसा कि लोगों से जो हमने या मीडिया ने या वहाँ की आम सरकार ने या MLAs MPs जिन्होंने वहाँ पे निरीक्षण किया और जब लोगों से सुना तो देखने में आया कि वहाँ के लोग ऑलरेडी इतने, कुछ लोग अनकॉन्शियस हो गए थे, कुछ इतने बेसुध हो गए थे कि वे जहाँ थे वहीं पे गिर रहे थे, कुछ लोग बेसुध होकर और कुएं नालियों में गिरते चले जा रहे थे, इस तरीके से उन पर बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था। ये स्टायरीन गैस का प्लांट है बेसिकली, जो कि वहाँ पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ में आता है, मैन्युफैक्चर स्टोरेज और इंपोर्ट ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल रूल 1989, इसके तहत 1989 के केमिकल रूल्स के तहत आता है ये प्लांट, है स्टायरीन गैस जो है उसके तहत इन्वॉल्व की जाती है, ये एक बहुत ही डिज़ास्ट्रस गैस है, द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, इसके तहत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए गए हैं इस गैस को हैंडल करने के लिए और स्टोर करने के तहत, तो इसके लिए एक जो है इंक्वायरी बैठाई जा रही है बिल्कुल डेफिनेटली कि इस एरिया के अंदर इस तरीके की गैस लीक होने का कारण क्या हो सकता है, क्या सरकार द्वारा या जो है इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, क्या उनके देख रेख में और निरीक्षण में ये कार्य नहीं हुआ, या क्या वहाँ के लोगों द्वारा इस तरह की, या जो उस एरिया में रहने वाले लोगों को ही जो कि बिल्कुल अनस्किल्ड हैं लेबर की कमी के कारण वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया जिन्हें इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना या इस तरीके के प्लांट्स को रन अप करना नहीं आता, उन लोगों को, उन लेबर्स को वहाँ जो है वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया, या फिर क्या वहाँ के ऑफिशियल्स जो कि वहाँ पर कार्यरत है उस प्लांट पर उनके द्वारा इस तरह की घटना हुई, ये सारी चीज़ें तब सामने आएगी जब सरकार इस पर पूरी कमेटी बैठाएगी और इस कमेटी के तहत पूरी इंक्वायरी होगी।
ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल टू अज्यूम दैट सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ट इन द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग सो हैज़ार्डियस वॉज ईदर फॉल्टी और लोअर्ड सॉरी अलाउड टू बी ओवर रिटन, उन्हें ओवर रिट किया गया है या फिर वहाँ पर जो मैकेनिज्म है वही फॉल्टी है, उसी में कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स थी, या उसका जो मैकेनिज्म है उसके तहत कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को नहीं अपनाया गया है। ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे जांच होगी, कमेटी बिठाई जाएगी और जब इंक्वायरी होगी उसी समय सामने आएगी। क्या वहाँ पर कार्य करने के लिए जब लोग उपस्थित नहीं थे, स्किल्ड वर्कर्स या माइग्रेंट्स उपस्थित नहीं थे, उसी कंडीशन में वहाँ पे अनस्किल्ड लोगों को ऑफिशियली वहाँ पे बुला लिया गया कार्य करने के लिए? ये सारी चीज़ें इंक्वायरी पर ही पता चल पाएगी। तो सरकार को ज़रूरत है कि वो इस समय ये जो घटना घटित हुई है उसे प्रॉपर्ली हैंडल करें, इमीडिएट सिम्टम्स जो भी दिखाई दे रहे हैं उसके प्रति जो है जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए, स्टायरीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स या क्रॉनिक जो इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके जो इमीडिएट स्टेप्स हैं उनके ऊपर जो है कुछ कदम उठाने होंगे सरकार को, मेडिकल इश्यूज क्रिएट करने होंगे जिससे कि इस सारे स्टायरीन नामक जो गैस है इसके जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसे कम किया जा सके, और ये जो हार्मफुल केमिकल है इसके इफ़ेक्ट्स को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। हालांकि हम जानते हैं किसी भी गैस का जिसका हमें पता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी, भोपाल की गैस त्रासदी के इफ़ेक्ट आज भी हमें देखने को मिलते हैं, वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसके द्वारा जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हैं वो आज भी लोगों में वहाँ के लोगों के अंदर पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी गैस के जो सिम्टम्स है या इमीडिएट सिम्टम्स या इफ़ेक्ट्स जो है क्रॉनिक, देखिए हम इमीडिएट सिम्टम्स पर वर्क कर सकते हैं लेकिन इमीडिएट इफ़ेक्ट्स पर वर्क कर सकते हैं लेकिन क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पर हम वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके की इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमें जो पॉसिबिलिटीज़ है उन सबको क्रिएट करना होगा जिससे कि हम इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करवाएं उन लोगों को। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है, जितनी भी केमिकल जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब के लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन के तहत कार्य शुरू करना होगा, प्रॉपर वार्निंग के साथ में आगे होने वाले कार्य को शुरू करना होगा। Although some may see the incident as the consequence of the lockdown, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लॉकडाउन का इफ़ेक्ट है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार द्वारा प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए रीओपनिंग के, या कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर ने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे उनका ध्यान नहीं रखा गया। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सामने क्लियर हो पाएगी जिस समय इंक्वायरी establish होगी। ओके, ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट इज़ नॉट अ हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं है, सरकार के लिए बहुत बड़ा वो हम कह सकते हैं हर्डल नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पूरी तरीके से मद्देनज़र रखते हुए उन पर सारा ध्यान आकर्षित करके केंद्रित करके और फिर कार्य को आगे करें, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जो इस तरीके की बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स होने वाली आगे होने वाली बड़ी मिस्टेक्स को जो है रोक सके, इनके डेवलपमेंट को रोक सकें, और ऐसी मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मेजर्स हो सकते हैं उन्हें फॉलो कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है, आर्टिकल है, दैट इज़ स्लो बट स्टडी, ये है टेस्टिंग और कोविड 19 को लेके। देखिए जहाँ पे कोविड 19 हमने लॉकडाउन का फर्स्ट फेज शुरू किया था करीब 415 या 45 कुछ ऐसे केसेस थे जिस समय हमने पहला जो है लॉकडाउन स्टार्ट किया था, तो आज जहाँ पे 52,000 प्लस मतलब 52,000 के करीब उससे ज़्यादा केसेस सामने आ गए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ मेजर्स जो है प्रॉपर नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉपर नहीं है, या हम ये कह सकते हैं हम आम जन इसको लेकर सक्रिय नहीं हैं और इससे होने वाले प्रभावों को लेकर अनभिज्ञ हैं? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स आकर खड़े हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि 415 से लेकर करीब 52,000 से ज़्यादा केसेस पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर फैल गए हैं। अपने आप में इतने सारे केसेस का स्प्रेड होना, इतने केसेस का सामने आना, क्या ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर है
जिसके तहत हम कह सकते हैं, देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग हो रही है बहुत अच्छे से इसीलिए सारे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से केसेस का इस मात्रा में बढ़ना अपने आप में एक सूचना अच्छी नहीं देता है, या हम कह सकते हैं ये जो संकेत हैं हमारे डेवलपमेंट के प्रति, या हमारे COVID-19 का थर्ड फेज़ जो चल रहा है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का, या हमारे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, या गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा जितने प्रयास किए गए हैं उनको एक नेगेटिव वे में लेकर चला जाता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो इतने सारे प्रयास किए गए हैं वो भी विफल देखे जा रहे हैं, जब ये देखा जाता है कि हम टॉप 15 कंट्रीज़ जो कि COVID-19 से इफ़ेक्टेड है उस लिस्ट में आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे दर बदर जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, टेस्टिंग भी बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, लेकिन केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब COVID-19 को रोकने का एक सबसे बड़ा जो और सफल प्रयास देखने को मिलता है, अगर सफल जो एक केंद्र बिंदु देखने को मिलता है, तो वो ये है कि हमें टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना होगा, और लोगों को जितने पॉजिटिव आ रहे हैं उन सभी को आइसोलेट करना होगा। बस यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि 52,000 से 5 लाख होने में वक्त नहीं लगता है, उसी को रोकने के लिए हमें इस तरह के टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया नीड्स टू इनेक्ट अ COVID-19 लॉ। भारत की ज़रूरत है कि COVID-19 से रिलेटेड लॉ इनेक्ट करे, क्योंकि काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके की रूल्स को क्रिएट किए जाए, इस तरीके के जो है नॉर्म्स क्रिएट किए जाए, लॉज क्रिएट किए जाए, जो कि स्टेट और सेंटर को हेल्प कर सके COVID-19 से निपटने के लिए, तो भारत की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ लेंगे, शुड हेल्थ केयर बी अ फंडामेंटल राइट। अभी आज के दौर में जहाँ देखते हुए हम देख रहे हैं हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है COVID-19 के कारण, तो उसी के तहत क्या हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए, क्या हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन मार्क आकर खड़ा हो जाता है, जिसे आप खुद रीड करेंगे। इस आर्टिकल को आप खुद से रीड करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, और उसी के तहत जो है अभय शुक्ला जी और टी सुंदरामन जी ने, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है, तो आप इसे पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी ये चीज़। ठीक है, और ये आज के हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और स्पेशली मैं आपसे कहूँगी कि आप नेक्स्ट जाइए, जो हमने फर्स्ट पेज पर जो डिस्कस किया था भोपाल, ये विशाखापट्टनम की जो गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में पूरा आर्टिकल दे रखा है आपको, पेज नंबर 9 पे पूरा कवरेज है इस न्यूज़ का, तो आप बिल्कुल उसे पढ़िएगा, समझिएगा आज के न्यूज़पेपर के तहत, और जितनी भी न्यूज़ पॉसिबल है वो देखिएगा, और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी तक लॉकडाउन के दौर में होने वाली सबसे बड़ी घटना के रूप में उभर कर सामने आई है ये गैस ट्रेजेडी, तो इस गैस ट्रेजेडी के तहत अब तक अपडेट लेते रहना हमारे लिए ज़रूरी है कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप होने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको ये जानना, ये समझना आपकी ड्यूटी है, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम ये देखें, समझें और जानें कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं, और उन परिस्थितियों के तहत हमें एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना, इनको इवेल्युएट करना, इनसे होने वाली फ्यूचर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेना, ये सब हमारा कर्तव्य बन जाता है, चाहे हम कोई भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट पर हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हम कह सकते हैं आम नागरिक के तौर पर, आम आदमी के तौर पर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के लिए और इस राज्य के लिए, या इस हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उन सारे क्षेत्र के लोगों के लिए, इवन पूरे इंडिया के लोगों के लिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जो उन्हें इस तरह की ट्रेजेडी से, इस तरह की जो त्रासदी होती है, इन सारी त्रासदी से बचाने में उनकी हेल्प कर सके। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, दिस वाज आयुषी जोशी एंड यू वर वॉचिंग मी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस, एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।